Welcome back in the video session of IBC. हम आज इस वीडियो से पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कह लो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बनी, इससे संबंधित तीन वीडियोस इससे पहले है. आप उसे जरूर जाने ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि इंग्लिश का इतिहास क्या है, इंग्लिश कैसे बना. दैट विल बेटर फॉर यू. चलिए आज से हम लोग इंग्लिश व्याकरण की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं. इंग्लिश की ग्रामर की शुरुआत करने से पहले हम ये समझते हैं इंग्लिश है क्या. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज को हम हिंदी में बोलते हैं भाषा. अब सवाल यह पैदा होता है कि लैंग्वेज क्या होता है या भाषा क्या होती है. देखिए, मैं इससे संबंधित जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये पूरी डिटेल्स अगर आप वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके पीडीएफ में डाउनलोड कर लें और वो अपने सामने रखें और तब इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको. क्योंकि मैं वो जो भी बातें बताता हूँ वो सारी उसमें लिखी हुई भी है स्टेप बाय स्टेप. इसमें लिखने का टाइम आपको शायद इतना ज्यादा ना मिले. इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा. अब सवाल उठता है कि भाषा क्या होता है. देखो, मन, हमारे मन में कोई बात आई और उस मन के बात को आप तक मुझे पहुंचाना है तो वह पहुंचाने का जो माध्यम होगा वही तो भाषा होगी. अब भाषा पहुंचाने के माध्यम हमारे पास कई तरीके से हो सकता है. बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, इशारों में हो सकता है. तो भिन्न भिन्न माध्यम से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं तो वही क्या बन जाता है? भाषा. यही वजह है कि लैंग्वेज को भी हम कई तरीके से सुनते हैं. बॉडी लैंग्वेज, रिटेल लैंग्वेज, ओरल, कई तरीके का होता है. तो मन की बात को आप तक पहुंचाने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं सरल शब्दों में. और दूसरे शब्दों में हम बोले तो भाव के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं. भाव क्या होता है? हमारे अंदर की जो एक्सप्रेशंस है उसको व्यक्त करने का जो माध्यम होता है दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. भाव की अभिव्यक्ति मतलब मन के अंदर की जो बात है, हम जो कहना चाहते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशंस को, हम अपनी बातों को जिस माध्यम के जरिए एक्सप्रेस करते हैं वही भाषा कहलाती है. ये बातें मैंने लिख दी हुई है पीडीएफ में, आप देख लेंगे. तो आप ये समझ गए कि लैंग्वेज क्या होता है. और एक और बात जो आपसे डिस्कशन हमने कर रखा है पहले, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज में डिफरेंस. आई होप कि आपको मालूम होगा. अगर नहीं मालूम हो तो आप इससे पिछले वाले वीडियो देख लेंगे. चलिए, अब इससे भाषा तो होगी. देखो, जितनी भी भाषाएं होती है उनकी अपनी एक लिपि होती है. लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट. तो इंग्लिश की जो लिपि है वो है रोमन. रोमन लिपि में लिखी जाती है. और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी हिंदी की क्या लिपि है. हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है, जिसको नागरी लिपि भी कहते हैं. तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है. अंग्रेजी की भी अपनी लिपि है. अंग्रेजी की कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन. और हिंदी की कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी. चलिए, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया. अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर की, कि ग्रामर क्या होता है. तो दोस्तों, चलो एक चीज करते हैं. ग्रामर की परिभाषा देखने से पहले ग्रामर का स्पेलिंग याद करते हैं. इंग्लिश में प्रोनंसिएशन तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है और स्पेलिंग वो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो हम एक बड़ी सरल तरीके से, खास करके हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी लोग वर्ड के स्पेलिंग पे कैसे कमांड करें इसके लिए देखिए. जो ग्रामर शब्द को हम दो पार्ट में बांटते हैं, ग्राम प्लस मार बराबर ग्रामर.
देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि दैट इज करेक्ट। ग्राम मतलब गांव, अमार मतलब मारपीट। तो ग्रामर, अब इसको याद करना बड़ा आसान हो गया, गांव में मारपीट। तो ग्राम, ग्राम, ग्राम मतलब गांव, ग्राम याद करेंगे, ग्राम मतलब गांव, अमार मतलब मारपीट। तो मैं समझता हूँ उसके स्पेलिंग याद करने में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको हमने तो ये हिंदी में ले लिया, हिंदी उच्चारण, इंग्लिश के उच्चारण को हिंदी में हमने कन्वर्ट करके ले लिया। अगर इसको इंग्लिश में देखे तो ग्राम मतलब होता है चना, अमार मतलब होता है खराब करना, देखो जो ये ग्रामर का एक्चुअल बात ये नहीं है, लेकिन मैं जस्ट स्पेलिंग याद करने के लिए आपको ये टेक्निक बता रहा हूं। और साथ साथ अगर आप ग्रामर का मीनिंग नहीं जान रहे थे तो ये भी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ग्राम मतलब चना नहीं जानते थे तो एक नया वर्ड सीख लेंगे, मार मतलब खराब करना नहीं जानते थे तो ये भी एक मीनिंग सीख लेंगे। तो इस तरह से बन गया हमारा ग्रामर, और इसका उच्चारण हम लोग ग्रामर नहीं करेंगे, ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द फनी वे ऑफ लर्निंग स्पेलिंग। अब सवाल उठता है कि ये ग्रामर होता क्या है। आपको मैंने बताया था कि मिस्टर लिंडले मूरे कौन थे, बताइए से पिछले वीडियो में हमने बता रखा है आपको, मिस्टर लिंडले मूरे जिन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है, ठीक है, वो क्या थे पेशा से, लॉयर, वकील थे। वकील का काम क्या होता है, लॉयर किसी से बना हुआ है, लॉ से, लॉ मतलब क्या होता है, कानून, कानून का मतलब क्या हो गया, नियम। तो मिस्टर लिंडले मूरे ने क्या किया था, उसने सोचा था कि भाई अंग्रेजी भाषा के जितने भी बोलने के लिखने के नियम जो है उसकी एक पुस्तक होनी चाहिए, और उसी पुस्तक को उन्होंने लिख दिया, उन्होंने संकलित कर दिया, उन्होंने बना दिया, जो क्या बन गया, ग्रामर। तो हम कह सकते हैं कि नियमों की पुस्तक, नियमों की पुस्तक। अब सवाल है कि किस नियमों की, क्या साइंस के नियमों की, नहीं, किसके नियमों की, भाषा के, भाषा के नियमों की पुस्तक को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। भाषा के नियमों की पुस्तक को ग्रामर कहते हैं। और आपके मन में एक बात जरूर आ रहा होगा कि बचपन से तो इस तरह की बात हमें बताई नहीं गई है, ग्रामर का डेफिनेशन कुछ और बताया गया है, तो मैं आता हूं उस डेफिनेशन पे भी आता हूं। देखो तो भाषा के नियमों की पुस्तक को ग्रामर कहते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर आप नियम के आधार पर आप कुछ, आपको कोई चीज बोलना है, आप नियमों के आधार पर बोलेंगे तो शुद्ध शुद्ध बोलेंगे कि अशुद्ध बोलेंगे, जाहिर सी जवाब है शुद्ध बोलेंगे। नियमों के आधार पर आप लिखेंगे तो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे कि अशुद्ध लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। नियमों के आधार पर पढ़ेंगे तो आप शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे या अशुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे। तो अब जरा बताइए, वही नियम तो किस किताब में लिखी हुई है, ग्रामर में। तो इसी से ना परिभाषा बना हुआ है कि ग्रामर ऐसी पुस्तक होती है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना एवं बोलना आता है। तो वही परिभाषा तो ये भी है, भाषा के नियमों की पुस्तक को ग्रामर कहते हैं। तो ये सरल परिभाषा हो गया और इसमें सारी बातें समाहित है। वैसे आप आपकी जो पहले वाली जो परिभाषा है जो आप स्कूल से रटते आए हैं कि ग्रामर एक ऐसी पुस्तक होती है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना एवं बोलना आए, दैट इज सेम। ओके, अब लिंडले मूरे जब ग्रामर की पुस्तक लिखना शुरू किया होगा तो उसके मन में एक बात तो निश्चित रूप से आई होगी कि भाई कहां से शुरू करें। देखो हमारे आपको अगर कह दिया जाए कुछ लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए कह दिया जाता है, निबंध लिखने के लिए कह दिया जाता है, तो कुछ टाइम तो यहीं लग जाता है कि कहां से शुरू करें, क्या करें।
कोई ना कोई एक आधार लेते, एक लॉजिक लेते हैं लिखने के लिए। मुझे ग्रामर पढ़ाना शुरू करना था तो मैंने भी कोई एक लॉजिक लिया, मैंने कहा चलो जीरो से शुरू करते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं जीरो से शुरू करने से पहले थोड़ा उससे ही पहले चलते हैं, जब इंग्लिश बना ही नहीं था उस समय चलते हैं। तो एक आधार लिया, एक लॉजिक लिया और उसके आधार पर मैंने ग्रामर की पुस्तक भी लिखी और मैंने ग्रामर का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि लिंडले मूले साहब जो सर्वप्रथम ग्रामर की पुस्तक उन्होंने लिखा, उसको जो आज का जो ग्रामर का रूप है वो रूप दिया, तो उनके मन में भी तो प्रश्न जरूर आया होगा कि कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये भाषा बनती कैसे है। तो उन्होंने ध्यान दिया और देखा कि सबसे पहले साउंड आता है, साउंड से हम लोग लेटर्स बना लेते हैं, लेटर से वर्ड्स बना लेते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बना लेते हैं। और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में ऑलमोस्ट यही चार चीजें होती है और यही मिलकर बनाते हैं लैंग्वेज। साउंड, साउंड से लेटर्स, लेटर से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंसेस। साउंड आप जानते हैं आवाज को बोलते हैं, लेटर्स अक्षर को बोलते हैं, वर्ड्स शब्द को बोलते हैं, सेंटेंसेस वाक्य को बोलते हैं। अब देखो हम बोलते हैं क, क क्या है, एक प्रकार का साउंड है। ए, ए क्या है, एक प्रकार का साउंड है। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी साउंड है वो सब भाषा का अंग है? नहीं, दुनिया में जितने भी साउंड है वो सबके सब भाषा का अंग नहीं है। रोड पे गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी से जो साउंड पैदा हो रहा है दैट इज नॉइज, वो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है हमें, तो एक नॉइज हो गया, दैट इज नॉट मीनिंगफुल फॉर अस। तो वो नॉइज है तो उसको हम भाषा के अंदर शामिल नहीं कर सकते। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न VVI कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि भाषा की प्रथम इकाई डैश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब आपके दिमाग में बात आएगी कि शुरुआती में प्रथम इकाई, प्रथम यूनिट क्या होता है भाषा की, व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई सबसे पहले तो साउंड आया, लेकिन साउंड तो कोई भी हो सकता है, जब तक वो अक्षर में तब्दील नहीं होता है तब तक वो भाषा की इकाई नहीं बनती है। और जब अक्षर में तब्दील हो जाएगा तो हम कह सकते हैं भाषा की शुरुआती दौर में क्या है, वही साउंड भाषा की प्रथम इकाई है जो अक्षर का साउंड है। तो इस तरह से भाषा की प्रथम इकाई क्या हो गया, लेटर्स। भाषा की प्रथम इकाई हम किसको कहते हैं, लेटर्स को, न कि साउंड को। तो इस बात को बखूबी आपको याद रखना है, भाषा की प्रथम इकाई क्या होता है, लेटर्स न कि साउंड। ये खास करके आप BEd के लिए जो इंट्रांस होता है उसमें कई बार पूछा जा चुका है, ST ET है उसमें पूछा जा चुका है, टीचर्स वगैरह के संबंधित लैंग्वेज से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, भाषा की प्रथम इकाई लेटर्स को कहा जाता है, साउंड को नहीं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर लिंडले मूरे ने सोचा कि चलो भाषा के निर्माण तो इस तरह से होता है, साउंड, साउंड से लेटर्स, लेटर से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंसेज, तो अब इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो उन्होंने इसके अध्ययन के लिए अलग अलग अध्याय बनाया, इसके लिए अलग अलग उन्होंने अध्याय बनाया और उन अध्यायों को हम लोग अब देखते हैं। मिस्टर लिंडले मूरे ने क्या किया कि साउंड और लेटर्स इस दोनों के अध्ययन करने के लिए
एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। इस दोनों के अध्ययन करने के लिए एक चैप्टर बनाया और उस चैप्टर का नाम दिया ऑर्थोग्राफी, जिसको बोलते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी, साउंड और लेटर्स के अध्ययन के लिए एक चैप्टर बनाया, उसका नाम क्या दिया, ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। लेटर अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं, वर्ण के बारे में विचार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक चैप्टर बना दिया उन्होंने, जिसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्थोग्राफी। ओके, सेकंड जो बनाया, जाहिर सी बात है सेकंड चैप्टर किसके बारे में होना चाहिए, वर्ड्स के बारे में होना चाहिए। तो वर्ड्स के लिए जो चैप्टर बनाया वो है इटिमोलॉजी। इसका मतलब क्या है, शब्द विचार, शब्दों के प्रकार, शब्दों के बनावट, इन सारी चीजों के अध्ययन के लिए उन्होंने एक बनाया चैप्टर और उसका नाम दिया इटिमोलॉजी। देखिए, आप जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो जब मैं मुख्य शब्दों का उच्चारण करता हूं तो आप इन शब्दों का मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करते रहे ताकि आपका प्रोनंसिएशन सही हो। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में क्या होता है, बनावट होती है। तो अब निश्चित रूप से अगले अध्याय का नाम क्या होना चाहिए, सेंटेंस से लेकर। तो सेंटेंस के बनावट को लेकर के उन्होंने एक चैप्टर बनाया, उसका नाम दिया सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। आपको अगर ऊपर में विचार है, इसमें विन्यास क्यों हो गया, विन्यास का मतलब होता है बनावट, बनावट, बनावट के जो रूल्स है वो लिखा उन्होंने इसमें, और इसलिए इसका नाम लिया वाक्य विन्यास, ठीक है। इसका एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि भाई लैंग्वेज के अध्ययन के लिए तीन मुख्य पार्ट हो गए, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स। अब देखो, इंग्लिश में हम लोग कई तरह के चिन्हों का भी तो प्रयोग करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इन बहुत सारी चीजों का जो प्रयोग करते हैं, बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे साइन है जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसके लिए भी उन्होंने एक चैप्टर बना दिया और इस चैप्टर का नाम दिया पंक्चुएशन, जिसे हम बोलते हैं चिन्ह विचार। फिर भी चिन्हों के बारे में विचार करते हैं। वैसे ज्यादातर कंपटीशन में पंक्चुएशन से संबंधित एरर्स नहीं रहता है, लेकिन कुछ कंपटीशन में रहता भी है, तो इसलिए आपको जानने की जरूरत है। अब देखो, भाषा का तो निर्माण कर दिया इन्होंने, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, इस तरह से भाषा का निर्माण हो गया। अब भाषा की अगर और अगली इकाई पे चले तो जो भाषा के विद्वान लोग होते हैं, जिनकी पकड़ भाषा पे बहुत अधिक होती है, तो वो क्या करते हैं, कविताएं लिख लेते हैं, कहानियां लिखते हैं, और उसके लिए भी एक चैप्टर बनाया इन्होंने प्रोसोडी, जिसको बोलते हैं छंद विचार। अब ये आपके मन में उठेगा कि छंद विचार क्या होता है। देखो, कविताओं का क्या होता है, लय होता है। कविताओं में जो लय बनी होती है, तो उस लय का भी अध्ययन किया जाता है। भाषा की अपनी शैली होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में भी हम लोग छंद विचार पढ़ते हैं, जिसमें तुकबंदी पढ़ते हैं, मात्रा पढ़ते हैं, यन पढ़ते हैं, गण पढ़ते हैं, बहुत सारे छंद में पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास स्पेशल आता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग मेटाफर पढ़ते हैं, सिमली पढ़ते हैं, आयरोनी पढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें हैं कि हम जो लिखते हैं उसकी शैली क्या है, कविताओं का लय जो होता है। जैसे हम बोलते हैं जॉनी जॉनी इस पापा ईटिंग सुगर नो पापा, तो ये देखो जॉनी जॉनी बनाने का भी एक ये जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है,
और आप देखो ये हमने बोला जॉनी जॉनी एस पापा, अंत में आया पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, तो अंत में ये जो मेल खा रहा है जिसे जनरली हम लोग हिंदी में तुकबंदी बोलते हैं, तो इस तरह के जो लय होता है, शैली होता है, इसका स्पेशली अध्ययन करने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में रिदम बोलते हैं, ठीक है, तो रिदम का अध्ययन करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है प्रोसोडी। तो अगर किसी व्यक्ति को कविता लिखना सीखना है, या खास करके जो लोग इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि कौन से राइटर ने किस लय का प्रयोग किया है, किस भाषा की शैली का प्रयोग किया है, तो उसके अध्ययन के लिए प्रोसोडी का जानकारी होना जरूरी है। वैसे जनरल लोगों के लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसोडी में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने कितनी बार देखा है कि कंप्रिहेंशन वगैरह में पैसेज दिया रहता है और नीचे क्वेश्चन रहता है कि इससे लेखक के किस प्रकार की भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, लेखक क्या है, किस प्रकार के लेखक है, इन्होंने जो लिखा है वो ट्रेजडी लिखा है, सॉम्ब्रे लिखा है, या किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया है, तो आपको मालूम होगा तब तो कि आइरोनी क्या होता है, ट्रेजडी क्या होता है, सोनेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होगा तभी तो आप इसका नामकरण करेंगे। तो प्रोसोडी का अध्ययन भी जरूरी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस तरह से ग्रामर के 5 भेद बन गए। मैं जानता हूं आप सब पहले से पढ़े हुए हैं ये सारे के सारे, आपको जहां कहीं भी पढ़े आपके शिक्षक ने आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाया होगा, सीधा सीधा पढ़ा दिया होगा आपको कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं या इंग्लिश ग्रामर के 5, इंग्लिश ग्रामर के के 5 भेद होते हैं, लेकिन शायद ही किसी शिक्षक ने यह बताया हो कि ये 5ों भेद बने किस आधार पर थे और कैसे बने थे। तो बच्चों आज आपने ये सीख लिया कि ग्रामर के जो 5 भेद होते हैं ये कैसे बने, किस आधार पर बने, इसके पीछे लॉजिक क्या था, और इस तरह से आज आपने क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार हमने फिर देख लेना है, हम जब देख लेंगे ताकि पूरी की पूरी पढ़ाई का निचोड़ हमें पता लग जाए। तो आज आपने पढ़ा लैंग्वेज क्या होता है, फिर आपने पढ़ा स्क्रिप्ट के बारे में, फिर आपने पढ़ा ग्रामर की डेफिनेशन, स्पेलिंग, और फिर आपने आज पढ़ लिया कि ग्रामर की इकाई क्या होती है वो पढ़ लिया, भाषा की प्रथम इकाई क्या होता है वो मुख्य चीज है वो आपने पढ़ लिया, और फिर आपने पढ़ लिया काइंड्स ऑफ, इसको काइंड्स लिखने के बजाय ज्यादा बेटर होगा पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद हो गई होगी, ये सारी बातें मैंने बड़ी सरल भाषा में हिंदी के साथ प्रोनंसिएशन भी हिंदी में लिख करके मैंने डाल रखा है। मैं एक झलक आपको दिखला दूं, आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे, देखिए मैंने ये सारी बातें दे रखी है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और मेरा टारगेट होता है कि 0 लेवल के जो बच्चे हों, एकदम जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो उनको भी समझ में आ जाए, और जिनको आती भी हो पहले से उनको भी कोई ना कुछ नई चीज इसमें मिल जाए। और ये 0 लेवल से शुरू किया गया है, इस कोर्स को मैं फाउंडेशन कोर्स बोल रहा हूँ। एडवांस कोर्स ऐसे बच्चे जिनका बेसिक मजबूत है, तो उनके लिए एडवांस कोर्स की वीडियो अपकमिंग टाइम में मैं बनाऊंगा, तो उन बच्चों को इसमें बोर होने की जरूरत नहीं होगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे कम से कम टाइम। तो थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में हम देखेंगे, एक एक करके डील करेंगे, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है, प्रोसोडी क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।